तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम ऑल इंडिया की स्टेट वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। साथ में भी बताएंगे कि किस स्टेट में कितनी सीटें इस साल इंक्रीज की गई हैं। तो प्लीज़ एंड तक का मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम 2022 की कट ऑफ भी बताएंगे कि ऑल इंडिया स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जानी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 2021 की जो मेरे पास डेटा है स्टेट की, उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले असम की, तो असम की जो जनरल कैटेगरी पे क्लोज हुआ था कट ऑफ, वो 532 मिनिमम था। और ओबीसी का जो कट ऑफ क्लोज हुआ था वो 462 था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 524 थे, 524 मार्क्स पे लास्ट कट ऑफ थी। एससी की 443 थी और एसटी की जो थी वो 374 थी, और पीडब्ल्यूडी की 138 मार्क्स पे। एनआरआई कोटे में कोई यहाँ पे सीटें फिल नहीं की गई। अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 569 थी जनरल कैटेगरी की। ओबीसी पे यहाँ पे सीटें वैकेंट रह गई थी, ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीटें फिल नहीं हुई। एससी की 405 थी और पीडब्ल्यूडी की 149 थी और एनआरआई की 153 मार्क्स पे एनआरआई कोटा फिल हुआ था। अब बात कर रहे हैं हम बिहार स्टेट की, तो बिहार स्टेट की बात करें तो 610 जनरल कैटेगरी के मार्क्स थे। ओबीसी का था 606, ईडब्ल्यूएस का था 605, एससी का था 450 और एसटी का था 430, पीडब्ल्यूडी का था 158। एनआरआई कोटे में कोई भी सीटें फिल नहीं हुई। गोवा की बात करते हैं, गोवा में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी मिनिमम, वो 515 थी। ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी लो गई थी, 377। ईडब्ल्यूएस की थी 450, एससी की थी 248, एसटी की 243, पीडब्ल्यूडी पे सीटें नहीं फिल हुई और एनआरआई की थी 493। अब हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात काफ़ी बड़ा स्टेट है और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 573 था, ओबीसी का था 540, ये मिनिमम कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लोजिंग की। ईडब्ल्यूएस का था 563, एससी का था 479 और एसटी का था 310, पीडब्ल्यूडी एनआरआई में कोई सीटें फिल नहीं हुई। अब बात और गुजरात में इस साल जो 2022 में 270 सीटें इंक्रीज की जा रही हैं। अब बात करें हरियाणा में, हरियाणा की 609 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का था आपका 600 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस का था 605, एससी का था 504, एसटी में कोई सीटें फिल नहीं हुई थी, पीडब्ल्यूडी में 161 था और एनआरआई का 225 था। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हम स्टेट वाइज कट ऑफ इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने मार्क्स के आधार पे स्टेट को चूज कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पे 2021 की कट ऑफ गई थी और कितने मार्क्स पे 2022 की कट ऑफ जाएगी। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो मिनिमम कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का वो 504 था, ओबीसी का जो था वो 501 था, ईडब्ल्यूएस का 465 था, एससी का था 469, एसटी का था 451 और पीडब्ल्यूडी का था 130 और एनआरआई की सीटें जो फिल हुई थी वो 237 थे। अब बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 520 था, ओबीसी का था 478, ईडब्ल्यूएस का था 407, एससी का जो था वो 402 था, एसटी का था मिनिमम 361, पीडब्ल्यूडी का 232 और एनआरआई में कोई सीटें फिल नहीं हुई थी। कर्नाटका की बात कर रहे हैं, कर्नाटका काफ़ी बड़ा स्टेट है और यहाँ पे जो कट ऑफ गया था काफ़ी हाई जाता है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ की जो क्लोजिंग जनरल कैटेगरी की हुई थी वो 542 पे हुई थी। ओबीसी में लास्ट में कोई सीटें फिल नहीं की गई, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं हुई और एससी का जो मिनिमम कट ऑफ था वो 472 था, एसटी का था 497, पीडब्ल्यूडी में कोई सीटें फिल नहीं हुई, एनआरआई में नहीं थी। अब बात करते हैं कर्नाटक में, तो इस साल कर्नाटक में जो 550 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा राज्य जो है हमारा केरला, केरला में 622 पे गया था जनरल कैटेगरी का, ओबीएस में ओबीसी में कोई सीटें फिल नहीं हुई, ईडब्ल्यूएस में भी नहीं हुई, एससी में 431, एसटी का 340 रहा, पीडब्ल्यूडी और एनआरआई सीटें खाली रहेंगी।
अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में जो जनरल कैटेगरी का मिनिमम कट ऑफ गया था वो 557 पे गया था, यहाँ पे इस साल जो सीटों की बढ़ोतरी की गई है वो 150 सीटें बढ़ी हैं। ओबीसी का गया था 554, ईडब्ल्यूएस का गया था 557, एससी का गया था 468, एसटी का गया था 348, पीडब्ल्यूडी का था 122, एनआरआई सीटें लास्ट में कोई फिल नहीं हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 551 पे था। हाँ, मध्य प्रदेश में इस साल 2022 में 600 सीटें इंक्रीज की गई हैं, 600 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ओबीसी में 545, ईडब्ल्यूएस में 544, एससी का था 429, एसटी का था 328, पीडब्ल्यूडी का था 127, एनआरआई में सीटें फिल नहीं। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 590 का था। इस साल उड़ीसा में भी 200 सीटें इंक्रीज की गई हैं, 200 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ओबीसी की बात करें, कोई सीटें फिल नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस में था 584 था और एससी का था 474, एसटी का था 367 और पीडब्ल्यूडी का था 121। अब बात करते हैं पंजाब स्टेट की, तो पंजाब स्टेट में जो जनरल कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ था वो 571 था। ओबीसी का था 550, ईडब्ल्यूएस का था 568, एससी का था 432 और एसटी में कोई सीटें फिल नहीं हुई, पीडब्ल्यूडी भी नहीं, एनआरआई कोटा में जो सीटें फिल हुई उनमें 419 मार्क्स पे थे। लास्ट है आपका पांडुचेरी। पांडुचेरी में जो था वो ओबीसी की सीटें खाली थी, जनरल की भी खाली थी, ईडब्ल्यूएस की भी थी, एससी की भी थी, इसमें सिर्फ एनआरआई कोटे की सीटें भी फिल नहीं हुई थी। में जो ऑल इंडिया कोटे के थे कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की वो 631 थी और इस साल 2022 में इस बार 700 सीटें राजस्थान में इंक्रीज की गई हैं, तो ये भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ओबीसी का था 630, ईडब्ल्यूएस का था 630, एससी का था 537, एसटी का था 525, पीडब्ल्यूडी का था 143 और एनआरआई का था 139। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु में इस साल 345 सीटें इंक्रीज हुई हैं और जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 586, फिर लास्ट कट ऑफ था ओबीसी का था 539, ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें फिल नहीं हुई थी, एससी का था 430, एसटी का था 317 और पीडब्ल्यूडी एनआरआई खाली रह गई। इसके बाद करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में जो लास्ट जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 539 था, ओबीसी का था 516 और एससी का था 455, एसटी का था 425 और पीडब्ल्यूडी का था 110। उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, लेकिन लास्ट जो स्टेट काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी का क्लोज हुआ था वो 601 पे था। इस साल यूपी में 50 सीटों की बढ़ोतरी हुई है और ओबीसी का था 593, ईडब्ल्यूएस का था 599, एससी का था 454, एसटी का था 241 और पीडब्ल्यूडी का था 131। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 566 था और इस साल उत्तराखंड में भी 50 सीटें का इंक्रीमेंट हुआ है और ओबीसी का था 551, ईडब्ल्यूएस का था 533, एससी का था 401 और एसटी का था 388, पीडब्ल्यूडी का था 154। बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था वो 572 था। इस साल वेस्ट बंगाल में 150 सीटें बढ़ी हैं 2022 के लिए। ओबीसी में है का जो कट ऑफ था 574 था, ईडब्ल्यूएस का 573 था, एससी का था 472 लास्ट कट ऑफ गया था, एसटी का था 269 और पीडब्ल्यूडी का था 128। जिपमर पी की जो कट ऑफ गई थी लास्ट वो 696 थी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की थी 685, ईडब्ल्यूएस की थी 676, एससी का जो लास्ट कट ऑफ था 637, एसटी का था 610, पीडब्ल्यूडी का था 545 और एनआरआई का था 629। जिपमर के की बात करें तो लास्ट कट ऑफ 623 थी, ओबीसी की 614 थी, ईडब्ल्यूएस की 629 थी, एससी का जो लास्ट कट ऑफ था 509 था,
एसटी का था 504 और एनआरआई का था 598। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली की जो कट ऑफ थी लास्ट वो आपकी 643 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 599 और ईडब्ल्यूएस का 622, एससी का था 513, पीडब्ल्यूडी का था 124। एएमयू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 647 लास्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी का था 643, ईडब्ल्यूएस का था 645 और आपका पीडब्ल्यूडी का था 407 और एनआरआई का था 506। अब बात करते हैं एम्स की, एम्स की जो लास्ट कट ऑफ थी वो 620, ओबीसी का था 608, ईडब्ल्यूएस का था 631, एससी का था 496, एसटी का 475, पीडब्ल्यूडी का था 135 और एनआरआई का था 657। ये एम्स। अब हम बात करें बीएचयू की, बीएचयू की थी 679 जनरल कैटेगरी की कटाव गई थी, ओबीसी की थी 671, ईडब्ल्यूएस की भी 671 थी, एससी की 613 थी, एसटी का था 578, पीडब्ल्यूडी का था 525। तो ये तो रही आपकी ऑल इंडिया स्टेट वाइज जो लास्ट कट ऑफ थी 2021 की मैंने डिस्कस की। अब फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि 2022 की कट ऑफ क्या जानी चाहिए थी। तो मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कुछ ऐसे टर्म्स इस साल बन रहे हैं, सीटें इंक्रीज की जा रही हैं, प्लस 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजों की जो है गवर्नमेंट की तरह फिल की जाएंगी, उनकी फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज की तरह फिल होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखते हुए 2022 की जो कट ऑफ होनी चाहिए, आप लोगों ने ये ऑल इंडिया और स्टेट वाइज कट ऑफ देख लिया तो आप इससे गेस लगा सकते हैं कि मिनिमम 4 से 5 मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस हाई हैं, साथ में इससे ज़्यादा भी नंबर मार्क्स डिस्क्रीज हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।